अमृत काल में विकसित राष्ट्र के निर्माण की ओर अग्रसर भारत तेजी से आधुनिक और सशक्त हो रहा है। दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत उन्नत तकनीक एवं नवाचार को अपनाकर आज विश्व में अपनी असीम क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित मिशन कर्मयोगी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप जानते हैं कि मैंने हमेशा कैपेसिटी बिल्डिंग पर कितना जोर दिया है। मुझे खुशी है कि आज आप सब सिविल सर्वेंट के बीच मिशन कर्मयोगी एक बड़ा अभियान बन चुका है। मिशन कर्मयोगी का मकसद है सिविल सर्वेंट्स के फुल पोटेंशियल का उपयोग करना। मिशन कर्मयोगी को गति देने में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC सदैव अग्रणी रहा है। CBIC अप्रत्यक्ष करों का संग्रहण एवं संबंधित नीतियां बनाकर देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी NASIN सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स के क्षेत्र में विभागीय अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु CBIC का शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षमता निर्माण का मुख्य केंद्र है। NASIN ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सार्थक करते हुए केंद्रीय अधिकारियों ही नहीं अपितु राज्यों के हजारों अधिकारियों, व्यापार संस्थाओं, भागीदार एजेंसियों और अन्य विदेशी अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया है। अकादमी, WCO, ब्रिक्स आदि वैश्विक निकायों और मित्र देशों के साथ अपेक्षित प्रशिक्षण और सहयोग भी करती है। ये WCO, UNEP, UNODC एवं SASEC के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण अकादमी है। नए भविष्य के सशक्त आधार हेतु यह संस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई प्रशिक्षणों का आयोजन भी करती है। NASIN की भूमिका और जिम्मेदारियों के विस्तार के साथ वृहद क्षेत्र में एक नए एवं आधुनिक अकादमी की आवश्यकता को महसूस किया गया। ये तलाश समाप्त हुई पाल समुद्रम में, एक मनोरम गांव और पाल समुद्रम नाम के ही तालाब से लगा 500 एकड़ का यह व्यापक क्षेत्र बेंगलुरु एयरपोर्ट से 90 मिनट की दूरी पर है। पूर्ण तत्परता के साथ जून 2022 में इसका निर्माण शुरू हुआ और मात्र 17 महीनों के भीतर ये नया परिसर आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को समर्पित किया जा रहा है। परिसर में अत्याधुनिक सुविधाएं हैं जिनमें स्मार्ट क्लासरूम, स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और इमर्सिव लर्निंग सेंटर शामिल है। GRIHA 5-स्टार रेटिंग मानदंडों के अनुरूप निर्मित यह परिसर एक सेल्फ सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली केंद्र है। इलेक्ट्रिक वाहनों की परिचालन सुविधा, सौर ऊर्जा से संचालित ऊर्जा उत्पादन और जल संरक्षण प्रणालियों जैसी विशेषताओं से लैस ये परिसर शुद्ध शून्य ऊर्जा खपत नेट जीरो एनर्जी कंजम्पशन के लिए प्रतिबद्ध है। परिसर का निर्माण सामाजिक दायित्व को प्राथमिकता देता है जो माननीय प्रधानमंत्री की जन भागीदारी की भावना का प्रतीक है। अंत्योदय दर्शन के अनुरूप जनमानस के लिए परिसर में डाकघर, बैंक शाखा, सुपरमार्केट, विद्यालय, अस्पताल आदि आवश्यक सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। मार्च 2022 में आधारशिला रखे जाने के बाद क्षेत्र के विकास के लिए कई सकारात्मक पहल हुई हैं। शीघ्र ही यहां होगा एक रेलवे स्टेशन और निकटवर्ती सड़क बनेगी राष्ट्रीय राजमार्ग। लोक सेवकों और अन्य हितधारकों में कौशल निर्माण हेतु समर्पित यह परिसर भारत को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान देगा। यह नवीन कौशल विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है और हम सभी को कर्तव्य काल में विकसित भारत 2047 के संकल्प में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है।